हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज एक फिर से एक सुंदर सा क्रिएटिव अक्षय तृतीया स्पेशल रंगोली बनाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे टाइल्स है उसके हिसाब से एकदम ना बड़ा ना एकदम छोटा, इतना प्लेट के साइज में एक राउंड शेप बनाएं, उनमें वाइट रंगोली फिल किए। उसके बाद जो एक जामुनी कलर है, जामुनी कलर कॉर्नर कॉर्नर में फिल करेंगे। इसके बाद उससे थोड़ा सा लाइट वायलेट कलर है वो भर देंगे। सिर्फ यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जब भी कोई दो कलर को फिल करना है साइड में, तो डायरेक्ट दोनों कलर को फिल ना करते हुए, जैसे पहले डार्क वायलेट था वो फिल किया हमने, उसके बाद जब लाइट वायलेट फिल करना था तो हमने डार्क और लाइट दोनों को मिला के बीच में एक फिर से शेड बनाए थे। उसके बाद फिर जो लाइट वायलेट था वो फिल किए। तो ये एक बात ध्यान रखना है कि जब भी कोई दो कलर को फिल करना है साइड में, तो बीच में दोनों कलर को 50-50% रंगोली लेके बीच का कलर बना के बीच में भरना है, तब जाके वो कलर कलर ब्लेंड दिखेगा या मिक्स दिखेगा। एक फनल के सहायता से जो प्लेट था, प्लेट के साइड में हमने कुछ डॉट बना दिए, और यहाँ पर एक कलर बनाना है। इसके लिए हमने एक छोटा सा जो डिस्पोजल है कटोरी प्लास्टिक का वो रखे, उसमें एक शेप लिए राउंड शेप, और ऊपर और नीचे का बेस बनाना है, ऊपर का गला बनाना है, और फिर जो रंगोली फिलर है वो रंगोली फिलर से जो येलो रंगोली है वो हमने फिल कर दिए। कुछ लाइनिंग बनाना है ऑरेंज कलर से, और जो कलश के ऊपर है यहाँ पर एक स्वास्तिक चिन्ह बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ओम लिख सकते हैं या कोई डिज़ाइन दे सकते हैं। कुछ डॉट दिए, ऊपर कुछ पत्ती और एक नारियल बनाएंगे। सिर्फ हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो डिजाइन है हमारे जगह के हिसाब से एकदम भरगच नहीं होना चाहिए, एकदम ज्यादा भरा भरा नहीं होना चाहिए। डिजाइन छोटा छोटा होना चाहिए, कलर कम्बिनेशन प्रॉपरली होना चाहिए, और उनमें जो फिनिशिंग है वो फिनिशिंग रहना चाहिए। ये तीन चार बातें हमें ध्यान रखना है जब भी कुछ इस प्रकार हम पोस्टर रंगोली बनाते हैं। यहाँ पर सफ़ेद कलर इसलिए रखे थे क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखना था, इसलिए हमने यहाँ पर सफ़ेद बैकग्राउंड रखे थे क्योंकि यहाँ पर हैप्पी अक्षय तृतीया लिखेंगे। जगह छोटा है इसलिए हम हाथ से ही लिखेंगे, और यदि जगह अभी तो बड़ा जगह में बना रहे तो ये फनल के सहायता से भी हम लिख सकते हैं, या जो जो स्वास्थ्य के बोतल के जो ढक्कन आता है ऊपर उससे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा धीरे से लिख लेंगे हैप्पी अक्षय तृतीया। ये लिखने से क्या होता है, एक तुरंत समझ में आता है, और जो फेस्टिवल उसके हिसाब से भी वो बराबर वो सेट होता है। जैसे कोई भी रंगोली देखेगा तो सबसे पहले वो पढ़ेगा कि ऊपर क्या लिखा है। जैसे यहाँ पर कोई भी जैसे बना रहे हम रंगोली, तो सबसे नज़र कहाँ पे जाएगा, जो लिखा हुआ है। तो ये एक हाईलाइट पॉइंट होता है, अट्रैक्टिव पॉइंट होता है। तो ये भी अच्छा है कुछ हम लिखे उसमें। नीचे थोड़ा जगह बचा था तो हमने यहाँ पर दो फूल बनाएंगे और दो साइड में थोड़ा सा पत्ता बनाएंगे ताकि नीचे का जो जगह है वो पैक हो, और ऊपर के जगह में थोड़ा सा कोई हल्का फुल्का डिज़ाइन बनाएंगे, तो ये हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक बटन का दबा के लाइक कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए
तो नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने को जो बेल बटन आता है वो बेल बटन को दबा लिए। बेल बटन को दबाने से मेरे आने वाले हर नए क्रिएटिव रंगोली का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो ये पत्ती बनाने के बाद जो कॉटन बड आता है, कॉटन बड की सहायता से इस प्रकार के डिजाइन बनाना है। ये बढ़िया तरीका है। एक तो हमारे टाइल्स सफेद था और सिर्फ कॉटन बड को हम घुमाएं तो ये डिजाइन बन गया, ऐसा लग रहा है व्हाइट रंगोली से डिजाइन है। काफी बढ़िया है। यदि हम ये डिजाइन हाथ से सफेद रंगोली से बनाने जाएंगे तो काफी दिक्कत होगा और इतना फिनिशिंग जो राउंड है वो नहीं बनेगा। और इसके ऊपर जो कॉटन बर्ड से ही थोड़ा सा सरकाते जाएंगे रंगोली को, तो इस प्रकार एक छोटा सा डिज़ाइन बनते जाएगा। तो कितना बढ़िया डिज़ाइन बन जाएंगे एकदम तुरंत और एकदम आसान है। तो ये बन गया हमारा सुंदर सा अक्षय तृतीया कि हम ये तीसरा रंगोली है। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और एक सुंदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।